हमारा ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। इस दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान को कोई जानकारी नहीं है, और कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जब ये रहस्यमय चीजें इंसानों के सामने आ जाती हैं, और जब कोई इन्हें अपनी आंखों से देख लेता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ना इन चीजों का कोई नाम होता है, ना इनके बारे में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है किसी के पास। ये सारी चीजें कल भी रहस्य थी और आज भी इंसानों के लिए एक रहस्य ही है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आसमान में देखी गई कुछ ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमय चीजें जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन किसी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है कि ये जो देखा गया या रिकॉर्ड किया गया ये एक्चुअली में था क्या। यार इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने कभी ना देखी हो। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी, तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का तगड़ा वीडियो। क्रीचर ऑफ द फॉग, ये वीडियो ऑस्ट्रिया के आसपास के इलाके का है। यहाँ पर सुबह के टाइम बहुत ज्यादा फॉग रहती है, और ये वीडियो बनाया था एक किसान ने जो अपनी फील्ड पर घूम रहा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो उसने आसपास के एनवायरनमेंट की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान उसे आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दे गया जिसे देख कर आप भी चौंक जाओगे। बाप रे, ये क्या चीज है भाई, खतरनाक। मतलब सीरियसली, दिस इज हॉरर, दिस इज प्योर हॉरर। ना कोई भूत, ना कोई जंप स्केयर, ना कोई क्रीपी साउंड। उसके बाद भी इस वीडियो को देखने के बाद भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब मैं ये फील कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई नजारा मुझे आसमान में दिख जाएगा भाई, मैं कहाँ दौड़ लगा कर भागूंगा। ये रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा तो फिर भी बहुत डेयरिंग था जो इतनी देर तक इसने वीडियो बना लिया। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अपनी जान बचाकर कहीं छिप जाता। देखो मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, दिस वीडियो वॉज क्रिएटेड बाय मून प्रोडक्शन। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और ये जो क्रिएचर आपने आसमान में देखा जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक था, दिस वॉज प्योर VFX वर्क। अब तुम बोलोगे गौरव भाई क्या यार VFX के सारा मूड खराब कर दिया। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ समुद्र की गहराई में, जहाँ पे अब मैं आपको बिना VFX वाला एकदम 100% रियल क्रीचर दिखाने वाला हूँ जो सच में काफी ज्यादा अजीब है। डीप स्टार या रैक्टिकुलम, ये वीडियो शूट किया गया था ब्रिटिश ऑयल रिग में। बेसिकली यहाँ पर समुद्र के अंदर से तेल निकाला जाता है, और यहाँ बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं जो अंडर वाटर होती हैं। इन मशीनों के मेंटेनेंस के वीडियोस रेगुलरली बनाए जाते हैं, और एक दिन ऐसा वीडियो बनाते बनाते कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जो पहले कभी भी नहीं देखा गया था। ये एक अजीब सा ब्लॉब जैसा क्रीचर समुद्र की गहराइयों में से अचानक कैमरे के सामने आ गया। स्टार्टिंग में तो ये काफी छोटा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब ये पास आया तो पता चला इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। ये कहीं से भी कोई लिविंग क्रीचर नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में जब इसके मूवमेंट्स देखे गए तो पता चला ये एक्चुअल में एक अंडरवाटर क्रीचर है। ये एक काफी बड़े साइज का जेलीफिश है जिसको बाद में नाम दिया गया डीप स्टार या रैक्टिकुलम। और ये एक ऐसा वीडियो था जब ऐसी जेलीफिश पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, और ये तो केवल एक मामूली सी जेलीफिश है। आप खुद सोचो समुद्र की गहराई के अंदर ऐसे ऐसे जानवर और ऐसे ऐसे क्रीचर्स हैं जिन्हें इंसानों ने आज तक कभी देखा ही नहीं है। बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि रियल लाइफ का कुथुलू भी समुद्र के अंदर रहता है और वो समय आने पर बाहर आएगा धरती पर और तबाही मचा देगा। लेकिन कुथुलू जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमारे पास अभी एक ऐसा वीडियो आया है जहां पर एक अजीब सा ट्री मॉन्स्टर किसी ने रिकॉर्ड किया है अपने मोबाइल के कैमरे से। The Barbados Impossibility, ये वीडियो 2017 में रिकॉर्ड किया गया था बारबाडोस आइसलैंड पर। यहाँ पर एक अजीब सा ह्यूमनॉइड बड़े से पहाड़ के पीछे चल रहा था। जब इस वीडियो को बनाना स्टार्ट किया गया तो ऐसा लगा कोई बड़ा सा पेड़ है जो हिल रहा है हवा के चलने से, लेकिन जब इसने रियल में चलना शुरू किया तब पता चला कि ये कोई पेड़ नहीं है, ये एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है जो पेड़ की तरह दिखाई देता है। उसके बाद जिस महिला ने इस वीडियो को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था उसने इस वीडियो को वहां के लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को भी भेजा, और जब पुलिस ने इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें इस तरह के किसी भी मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कहां से आया था और कहां पर जाकर छिप गया। आपको क्या लगता है कि वाकई में हमारे बीच कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन इस तरीके से छिपे रहते हैं कि किसी को उनके होने की भनक तक नहीं लगती। द मैजिकल फ्लाइंग बोट, अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। यहाँ पर एक बोट का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था समुद्र के किनारे से, क्योंकि जब सामने वाले बंदे ने उस बोट को देखा तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि ये बोट हवा में उड़ रही है। और उसके बाद ये वीडियो जब इंटरनेट पर डाला गया तो ये काफी ज्यादा वायरल हुआ, और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके पीछे के लॉजिक को ढूंढने की कोशिश की कि आखिर कैसे हो सकता है कि ये बोट एक्चुअली में उड़ रही थी। फाइनली जब ये बोट किनारे पर आई तो बोट से निकलने वाले लोगों ने कहा कि हमारी बोट तो पानी पर चल रही थी,
हवा में नहीं उड़ रही थी। और उसके बाद जब उस बोट को वापस समुद्र में ले जाया गया तो फिर से वही नजारा सामने था। बोट ऐसा लग रहा था किनारे से देखने पर कि हवा में उड़ रही है। फिर फाइनली इस पर रिसर्च की गई और पता लगाया गया कि ये हमारी आंखों का इल्यूजन। जिस वक्त ये नजारा क्रिएट हो रहा था उस वक्त पानी का रिफ्लेक्शन, सूरज की रोशनी और बहुत सारे एंगल्स एक ऐसा सर्कमटेंस क्रिएट कर रहे थे कि किनारे से खड़े होकर ऐसा दिखाई दे रहा था हर इंसान को कि ये बोट हवा में है। ये केवल हमारी आंखों का धोखा था। और जब इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया गया तो भाई कैमरा भी धोखा खा गया। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा हम जब सड़क पर जा रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं और हमें दूर कहीं पानी दिखाई देता है, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई पानी नहीं होता। और इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है मृग तृष्णिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बता देना। तो अगर तुम भी हिंदी मीडियम से हो तो भैया इस वीडियो पे लाइक ठोक दो। दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड बाय अ फेमस एंड रेप्यूटेटेड फोटोग्राफर। उन्होंने जब एक क्लाउड को देखा तो उन्हें उसमें एक इंसानी चेहरा दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा भैया, इसका पूरा वीडियो बना लेना चाहिए। ये इंसिडेंट कुछ वैसा ही था जब एक बार एक वॉल्केनो फटा था तो वहां पर मौजूद एक फोटोग्राफर ने उस लावे का फोटो खींचा जो काफी हद तक एक डेविल के चेहरे जैसा दिख रहा था। हालांकि बादलों में दिखाई देने वाले ये दोनों चेहरे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है और हमारे देखने का नजरिया है। वैसे भी हम लोग जब जमीन पर लेटकर बादलों को देखते हैं तो उसमें हम जो देखना चाहते हैं हमें वो दिख ही जाता है। और इंडिया में काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्हें बादलों में कभी शंकर भगवान नजर आते हैं तो कभी श्री कृष्ण नजर आ जाते हैं। तो अगर आपको भी कभी भगवान के दर्शन हुए हैं बादलों में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस भगवान ने दर्शन दिए। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। सोचिए आप सुबह सुबह उठे और आपको आसमान में ऐसा नजारा देखने को मिले, एक इतना लंबा बादल जो कि बिल्कुल एनाकोंडा जैसा दिख रहा हो, एक पल के लिए तो आपकी भी फट जाएगी। और ये नजारा ऑस्ट्रेलिया में हर कभी आराम से देखा जा सकता है, खासकर सुबह के समय। यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में बादल कुछ इसी तरीके का शेप ले लेते हैं और इनको कहा जाता है मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। हवाएं कुछ इस तरीके से चलती हैं समुद्र के ऊपर के बादलों को वो पूरा रोल कर देती हैं। अब YouTube के बहुत से वीडियोस में तो इस तरीके के बादल को भी रहस्यमय बता दिया जाता है, तो ये कोई रहस्यमय बादल नहीं है, इसके पीछे सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है। बेसिकली तो इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, उस हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता जरूर है। कुछ चीजें हमें समझ में आ जाती हैं और कुछ चीजें हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं, और जो चीजें हमें पल्ले नहीं पड़ती ना, हम उन्हें मिस्टीरियस बोल देते हैं। तो यार बस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा होगा, देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।